वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों में खेले जा रहे श्रीलंका और स्कॉटलैंड के बीच आज के मुकाबले में एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने एक्सपीरियंस का प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को धूल चटाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसी के साथ श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे में कैसा था दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले का हाल और किस तरह से दिख रही है अब इस जीत के बाद क्वालिफायर की अंक तालिका बताएंगे आपको इस वीडियो में। जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की तारीखों की घोषणा मंगलवार को आईसीसी के द्वारा कर दी गई है, जिसमें कि क्वालिफायर से क्वालिफाई कर वर्ल्ड कप तक पहुंचने वाली टीमों की भी तारीख घोषित हो गए हैं। और ऐसे में वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के चल रहे मुकाबलों में एक बार फिर से हमें उन टीमों का जलवा देखने को मिल रहा है जो कभी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया करते थे। ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार को खेले जा रहे श्रीलंका और स्कॉटलैंड मुकाबले में एक बार फिर से श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को हरा कर अपना जलवा कायम रखा है। हालांकि स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान तो किया, मगर इसके बावजूद भी श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपने बल्लेबाजों की गलती की भरपाई करते हुए अपनी इस टीम को मुकाबले में जीत दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने अपने ओपनर बल्लेबाज निशंका के जबरदस्त 75 रन और इसके अलावा श्रीलंका ने भी श्रीलंका के लिए 63 रनों की पारी खेली और 245 रनों का लक्ष्य दिया। आपको बता दें कि 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई और खींच खाच कर 150 रनों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी करते हुए उनके गेंदबाज दीक्षणा ने 3 विकेट लेकर स्कॉटलैंड के खिलाफ श्रीलंका को जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। दीक्षणा के अलावा हसरंगा ने भी श्रीलंका के 2 विकेट लिए। श्रीलंका के इस जीत के साथ श्रीलंका और अंक तालिका पर अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, लंका ने इस जीत से श्रीलंका ने अभी तक खेले गए 3 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीत कर 6 अंकों के साथ टेबल को अभी तक टॉप रखा है। वहीं स्कॉटलैंड ने भी अभी तक खेले गए मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर लगभग 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन आज के मुकाबले में मिली हार से अब श्रीलंका 4 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ टेबल के टॉप पर है। वहीं स्कॉटलैंड अब 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतकर 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं बात करें अंक तालिका की ग्रुप की, तो ग्रुप ए को जिम्बाब्वे ने 4 मुकाबलों से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं दूसरे स्थान पर ग्रुप ए में नीदरलैंड है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और अभी तक 3 मुकाबले जीतकर 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज की टीम 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, वहीं 4 अंकों के साथ वो इस स्थान पर मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से क्वालिफायर के मुकाबले में जिम्बाब्वे जैसी टीम ने वेस्टइंडीज के जैसे एक्सपीरियंस टीम को धूल चटाकर पछाड़ा है, वैसे ही क्या ये टीमें वर्ल्ड कप के दौरान कुछ कारामात करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, क्या वर्ल्ड कप के दौरान इन टीमों में खतरा बना हुआ रहेगा, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।